फैसला हुआ कि जो मृतक परिवार हैं, तीन परिवार जो हैं, उनको 17.5 लाख रुपये सरकार की तरफ से नगद इनाम राशि दी जाएगी। जो इंजर्ड है उनको 7.5 लाख नगद इनाम राशि दी जाएगी। इनाम तो किसी जीत पर दिया जाता है, कोई कारनामा या फिर बहादुरी के लिए दिया जाता है, ना कि किसी हादसे में मरने या घायल होने पर। लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार साहब शायद ये भूल गए कि वो इनाम बांटने नहीं बल्कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को मुआवजा देने के तौर पर सहायता राशि देने का ऐलान कर रहे थे। जी हाँ, अब इसे भूल कहें या फिर जुबान का फिसलना, लेकिन भूल तो एक बार होती है और देखा जाए तो जुबान भी किसी की बार बार नहीं फिसलती। लेकिन यहाँ मंत्री पवार साहब बोलते चले गए और अनजाने में ही सही उनकी जुबान फिसलती चली गई। आइए एक बार सुनिए कैसे लगातार 2 बार मंत्री जी की जुबान फिसली और उन्हें उसका एहसास तक नहीं हुआ। फैसला हुआ कि जो मृतक परिवार हैं, तीन परिवार जो हैं, उनको 17.5 लाख रुपये सरकार की तरफ से नगद इनाम राशि दी जाएगी और 2.5 लाख रुपये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उपायुक्त महोदय की तरफ से उनको किसी स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी। तो 20 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। जो इंजर्ड है उनको 7.5 लाख नगद इनाम राशि दी जाएगी। दरअसल मंत्री पवार बरवाला में हुए खेदर थर्मल पावर प्लांट हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवारों और घायलों के लिए सहायता राशि का ऐलान कर रहे थे, लेकिन अनजाने में उनकी जुबान फिसली और उन्होंने इस सहायता राशि को इनामी राशि बता डाला। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्री पवार की जुबान इससे पहले भी एक बार भरे मंच में फिसल चुकी है, जिसमें उन्होंने मंत्री अनिल विज को मुख्यमंत्री कह दिया था। बरवाला से पासाराम, पंजाब केसरी टीवी।